एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं अपने घर को ना थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी। जो यहाँ की वॉल्स है उससे मैं थोड़ा सा बोर हो चुकी हूँ, और बाकी जो मेरे रूम में वॉलपेपर लगा है मैं उससे भी थोड़ा बोर हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब रमज़ान आने वाले हैं, उसके बाद आएगी ईद। तो ईद से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे होती है रमज़ानों की। तो मैं चाहती हूँ रमज़ानों में मेरा घर बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा दिखे, और क्योंकि मेन रौनक जो है वो रमज़ान की होती है। ईद पर तो बस एक दो दिन होते हैं और वो भी यूँ ही गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगते, और ज़्यादातर तो सोने में ही गुजर जाते हैं। तो हमें रमज़ान के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को प्यारा रखना चाहिए, ताकि कोई आए उसका भी दिल खुश हो, और हमारा तो देख देख कर होता ही है दिल खुश अपने घर को। तो बस मैं वॉलपेपर जो लगे हैं ना रूम में और ड्राइंग रूम में, मैं उससे थोड़ा सा बोर हो चुकी थी, इसलिए आज मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए न्यू वॉलपेपर्स लेने। तो घर का थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, और बाकी तो शॉपिंग देखिए धीरे धीरे ही होगी, कि कर्टन्स लाने हैं, बेडशीट्स लानी है, सब चीज़ें लानी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं शॉपिंग अपनी रमज़ान से पहले ही निपटा लूँ, ताकि मुझे रमज़ान में ज़्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े। रूहान के साथ मैं जा भी नहीं पाती, तो इस वजह से आज मैं जा रही हूँ वॉलपेपर की शॉपिंग करना। मैंने थोड़ा डार्क पे चली गई थी, बट अब मुझे थोड़ा लाइट कलर लाने का मन है, तो देखते हैं कैसा वॉलपेपर मिलता है। और फिर मैं हो सका तो उसे आज या कल मैं इंस्टॉल भी करा लूँगी, तो दिखाऊँगी आपको अपने रूम का न्यू लुक, और अपने ये दूसरे वाले रूम में भी वॉलपेपर लगवाऊँगी, जिसमें अभी तक कोई वॉलपेपर लगा ही नहीं था। तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा है, जिसमें मैंने अपने घर का होम टूर दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें खुद वॉलपेपर इंस्टॉल किया था, और उल्टा सीधा इंस्टॉल कर लिया था, जैसा भी मतलब मन था, नई नई एक्साइटमेंट थी कि मैं ही लगाऊंगी। बट अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं लगवाऊंगी लगवाने वालों से, क्योंकि भाई अपने बस का नहीं है, और इतना अच्छा मतलब लुक ही नहीं आ पाता अपने हाथ से। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो अपने स्टेटस पर थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी जितने मुझे सब्सक्राइबर करने हैं कंप्लीट उसके लिए। ये मैं यहाँ आ गई हूँ वॉलपेपर देखने, और अब मैं देख रही हूँ ये वॉलपेपर, और जो मुझे पसंद आया है वो मैं आपको दिखाऊँगी रूम में लगने के बाद। तो बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पे, 3D में भी थे और लग्जरी में भी थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन मैंने जो पसंद किया है वो सबसे ज़्यादा यूनिक। यहाँ अदनान जो हमारा पुराना वॉलपेपर है उसको निकाल रहे हैं, और बहुत मुश्किल हुई इसको निकालने में, लेकिन बहुत डार्क था तो उससे बहुत जल्दी हमारा दिल भर गया था। अब इसको निकाल रहे हैं अदनान यहाँ। तो जब ये रूम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कल हमने, आज है डे 2, और कल हमने यहाँ से पूरा वॉलपेपर हटक निकाल लिया था। ये रूहान घूम रहे हैं यहाँ पे, और बेड का जो सिरहाना है ना वो पहले इधर था, अब हमने इसको इधर कर लिया है। हेलो जी, आज है डे 2 हमारे घर के ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखिए मेरे पीछे की ये वॉल कैसी खाली खाली, कितनी अजीब सी लग रही है। रूहानू, ये बस आजकल बस इसके दांतों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको हर चीज़ मुंह में चाहिए। कहुआ बेटू। और आज हवा माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर आ गए थे शाम में वॉलपेपर इंस्टॉल करने के लिए, और बस इनके तो बाएं हाथ का काम था, इन्होंने आधे एक घंटे के अंदर अंदर मेरे तीनों रूम्स में वॉलपेपर लगा दिया, और बहुत अच्छे से लगाया था, और बहुत ज्यादा प्यारा लुक आया। देखिए गाइस, ये लग चुका है यहाँ पे वॉलपेपर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसमें ना इसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा शो नहीं हो पा रही, लेकिन रियल में ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो कुछ ऐसा हो गया है हमारे रूम का लुक। नानी रूहान के लिए एक टॉय ले आए थे, जिसमें बॉल के साथ खेलते हैं, पर हमारी बिल्डिंग के बच्चे आ गए और उन्होंने इतने सारे इसके अंदर बलून फुला दिए, जिसे देख के रूहान बहुत ज्यादा बावला हो गया था, खेल रहा था। और ये देखिए सारे बच्चे हैं जो कि बलून फुलाने में लड़ रहे हैं, हम फुलाएंगे, और बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। डालो। One, two, three.
ये है मेरा सेकंड रूम, और रमजान की वजह से मैंने इसको लाइट से डेकोरेट किया है बहुत प्यार से। छोटा सा ड्राइंग रूम है ये हमारा, और आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको लाइट जला के दिखाती हूँ। ये हमारी अलमीरा है, और इसका और हमारे वॉलपेपर का कलर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, उसकी वजह से लुक बहुत अच्छा आ रहा है इस रूम का भी। तो ये देखिए, यहाँ भी हमने रूम अपने बेडरूम जैसा सेम वॉलपेपर लगवाया है। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा हमारा वॉलपेपर। जी फ्रेंड्स, ये है तीसरा रूम। देखिए ये थोड़ा बड़ा रूम है, और यहाँ पे एक पिलर भी है बीच में, जिस पे भी मैंने वॉलपेपर पूरा इंस्टॉल करवा दिया है। यहाँ पे मैं अलमीरा बनवानी है, तो अभी तो सामान ऐसे ही रखा हुआ है, जब तक अलमीरा नहीं बन रही तो बिस्तर वगैरह रखे हमने यहाँ पे। ये मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी है। ये ऐसा का ऐसा ही है जैसे कि पहले आपने देखा होगा, इसको इसको नहीं छेड़ा हमने। बाकी ये वॉलपेपर से इस वॉल का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ हमारा एसी भी लग चुका है अब, क्योंकि इस रूम में भी गेस्ट वगैरह आए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं ये विंडो है, और यहाँ से बहुत प्यारी हवा आ रही है इस टाइम। और मस्जिद देखिए आप, कितनी प्यारी डेकोरेट हुई हुई है, माशाल्लाह रमज़ान की रौनक स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ कुछ इस तरीके का है, जो कि अभी थोड़ा मैसी लगेगा आप लोगों को, बट मुझे दिखाना था तो मैं दिखा रही हूँ। ये फ्रिज है, उसके ऊपर ओवन है, और यहाँ बस ये अदनान की अलमीरा है जो कि अभी अभी हमने ली है। और यहाँ रखा है रमज़ान का सामान सारा, अदनान फ्रूट्स ले आए, खजला ले आए रात के लिए, तो बस सब ऐसे ही रखा है अभी। किचन के लिए गैस मैंने ये अलमीरा ली थी मिंटो रोड से। तो जी आज माशाल्लाह से पहली तरावी है, उसकी तैयारी हमने कुछ इस तरह की है कि हमारे जो सारे गमले थे वो हमने यहाँ रख दिए हैं एंट्री पे ही, और यहाँ पे माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे हैं काफ़ी। उसके बाद पूरी छत कल रात को हमने धोई है, सफाई की है, और मैं यहाँ पे अभी अभी पूरी है चादर बिछा के गई हूँ, ताकि जो लोग पढ़ेंगे वो आराम से पढ़ लें। इसके नीचे भी बिस्तर है, और लोग आएंगे तो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी अम्मी, है ना। तो उस दिन के बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी कुछ फैमिली रीज़न की वजह से, आज डायरेक्ट कर रही हूँ। आज चांद रात है रमज़ान की, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस देखिए, मैंने छत वगैरह सब साफ़ कर दी है। ये दोनों माशाल्लाह से हाफिज़ हैं, जो हमारे छत पर तरावी सुनाएंगे। सब चीज पहले गिराएगा, वरना मैंने ग्लास भी रख दिया है। कितने दिन का हो रहा है? देखो क्या बोल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको कुरान सुनाने वाला सुभानअल्लाह, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बेटा चांद मुबारक। बेटा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो आपको भी। बोलो आपको भी चांद मुबारक। मुबारक हो। देखो मैं क्या मेरा, माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है। देखिए मेरा चांद, तो चांद अपने घर चला गया है यहाँ पे, बहुत बारीक निकला था यहाँ पे, अपने घर चला गया है। अदनान चांद मुबारक। आपको भी चांद मुबारक। दाइम चांद मुबारक। आपको भी। रोहन चांद मुबारक। रमजान रूहान रमजान मुबारक। पहले रमजान रूहान के, पहले रमजान है ना इनके, है ना मेरे बेटे के पहले रमजान। ओह डुडू बिलो डुडू, फिनिश कर लो फिनिश। आप सबको भी चांद मुबारक। ओए रमजान चल रहे हैं, रमजान में डांस कर रही हो बदतमीजो। ये देखो भाई, हमारी बिल्डिंग के बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, फुल मस्ती के मूड में। डांस नहीं करते, नाच गाते में डांस नहीं करते। तो जी ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको और भी अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि दो दिन में एक व्लॉग ज़रूर डालूँ, अगर हो सका तो डेली डालूँ, और थोड़ा सा बिज़ी हुई तो उसके लिए माजरा चाहती हूँ। और बाकी प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।